हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी संवाद। फ्रेंड्स, मैं हूं रवि रोनित और आज के इस काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं आप तमाम व्यूवर्स का। तो फ्रेंड्स, ये जो आज का जो क्लास है, आज का जो वीडियो है, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और खास करके उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आईएससी आईए या फिर आईकॉम में स्टडी कर रहे हो, भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिनको नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 के एग्जाम में जिनको अपीयर होना है। तो फ्रेंड्स, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर जो सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर जो है उसका, उसमें इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, जो 100 मार्क्स का जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें आखिर उसका मार्किंग पैटर्न क्या है, आखिर आपको 100 मार्क्स कहाँ से मिलते हैं और आप किस तरह से तैयारी करें कि इसमें आप 100 में से मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आप एग्जाम में आ पाएँ। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाएं अब हम लोग चलेंगे वीडियो की ओर, जिसमें आप पार्ट वाइज सीखेंगे कि आखिर एक एक मार्क्स आपके आते कहाँ से, टोटल मार्क्स आपके लिए कहाँ से जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो 100 मार्क्स का जो इंग्लिश है आपका, 100 मार्क्स का जो इंग्लिश है, इसका जो है जो क्वेश्चन जो होता है आपका टोटल, ये कहाँ से और कैसे आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अब एग्जामिनेशन जो है उसमें दो टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा फिर होता है सब्जेक्टिव का। तो फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं ये 50 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के? तो 50 मार्क्स के होते हैं। और आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वे भी होते हैं कितने? तो 50 मार्क्स के, यानी कि 50-50, ऑब्जेक्टिव भी 50 और फिर सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आखिर ये 50 जो मार्क्स हैं ऑब्जेक्टिव के, ये आखिर कहाँ से आते हैं, कैसे लिए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके लिए दो ग्रुप बना हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो ग्रुप से पूछे जाते हैं, दो ग्रुप है इसके लिए। तो फ्रेंड्स, जो पहला ग्रुप है वो आपका जो है वो टेक्स्ट बुक से है, टेक्स्ट बुक से यानी कि बुक से ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। और कितने मार्क्स के? तो फ्रेंड्स, इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। और जो सेकंड पार्ट हो गया, जो ग्रामेटिकल पार्ट है फ्रेंड्स, ग्रामर से, तो फ्रेंड्स ग्रामर से आपसे पूछे जाते हैं टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। तो टेक्स्ट बुक से कितने मार्क्स से? तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन। और ग्रामर से कितने? तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन। कहाँ? ऑब्जेक्टिव में, यानी कि 30+20=50 मार्क्स। अब फ्रेंड्स, ये जो टेक्स्ट बुक है ना, इसमें भी आपको पता है टू बुक्स हैं, तो टेक्स्ट बुक में भी हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर टू बुक्स आपको एक पढ़ना है, रेनबो पार्ट टू, और इसके बाद एक पढ़ना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये दो पार्ट यहाँ भी आपको पढ़ना है फ्रेंड्स। तो रेनबो पार्ट टू और दूसरा बुक जो है आपका वो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। तो रेनबो पार्ट टू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, वो हैं कैसे, किस पैटर्न पे, मैं आपको बता दूं। तो फ्रेंड्स, प्रोज सेक्शन आपको पता है, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन में आपका रेनबो जो है, रेनबो पार्ट टू बटा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रोज सेक्शन है उससे आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कितने? तो 8 मार्क्स के का क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से? तो प्रोज सेक्शन से। इसके बाद जो पोएट्री सेक्शन है यहाँ से भी आपसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। और जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है फ्रेंड्स, इससे आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि यहाँ से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? तो 4 मार्क्स मिलते हैं। तो आप यहाँ पर टोटली समझिए फ्रेंड्स कि रेनबो पार्ट टू से 8 मार्क्स और 8 मार्क्स कैसे कैसे आएंगे, सॉरी 16 मार्क्स, तो प्रोज से 8 मार्क्स और फिर पोएट्री से 8 मार्क्स, यानी कि टोटल जो है 16 मार्क्स आपको रेनबो पार्ट टू से ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, जबकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आप यहां पर ऐड करके देख सकते हैं 8+8+4 यानी कि 20 मार्क्स आपके हो गए टेक्स्ट बुक से। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ग्रामर से रिलेटेड जो है वो आपके किधर गए, यहाँ पे 30 मार्क्स आपके कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, आप ध्यान से देखेंगे इन चीजों को। अभी यहाँ पर सब्जेक्टिव को छोड़ देते हैं क्योंकि उतना जगह है नहीं हमारे पास व्हाइट बोर्ड पे, तो मैं इन चीजों को क्लियर करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो आखिर अब हम लोग बात करते हैं जो 30 मार्क्स के जो ग्रामर है इसका, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि आखिर जो इंग्लिश ग्रामर से 30 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वे क्वेश्चंस ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक से लिए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में जो फर्स्ट टॉपिक होता है फ्रेंड्स, मैं इस तरह से आपको सीरियली बता देता हूँ। तो प्रीपोजिशन, सॉरी प्रोनाउन से फ्रेंड्स, प्रोनाउन से जो है ये टॉपिक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इस कॉलम में टॉपिक होगा और इसमें क्या होगा तो इसके मार्क्स यानी कितने नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स प्रोनाउन से आपके एक 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो हो गया मॉडल्स से फ्रेंड्स आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से वर्ब फॉर्म्स यानी कि वर्ब फॉर्म्स से क्वेश्चन जो है आपके 12 होते हैं। फ्रेंड्स पता है इसमें आपको टेंस डिटरमाइनर्स ये सारे चीज़ होते हैं इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें वर्ब फॉर्म से मैक्सिमम 12 मार्क्स आपको मिलते हैं। इसके कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद नरेशन से भी क्वेश्चंस होते हैं, तो नरेशन से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद हो गए क्या प्रीपोजिशन, हाँ फ्रेंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन, हाँ फ्रेंड्स यहाँ से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है आपके और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से होते हैं, तो सेंटेंस करेक्शन फ्रेंड्स यहाँ से भी आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद स्पेलिंग करेक्शन फ्रेंड्स यहाँ से भी आपके होते हैं क्वेश्चंस 1 मार्क के। और आर्टिकल्स से फ्रेंड्स 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम टोटल ऐड करके देख लेते हैं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन 30 हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हो गया कितना, प्रोनाउन से 1, मॉडल से 3, वर्ब फॉर्म से 12, वॉइस से 2, नरेशन से 2, प्रीपोजिशन 5, सेंटेंस करेक्शन 3, स्पेलिंग करेक्शन 1, आर्टिकल्स 1, यानी टोटल हो गया कितना, तो 1 + 3 = 4 + 12 = 16, 2 = 18, 2 = 20, 25, 28, 29, 30 फ्रेंड्स यहाँ पर 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इस प्रकार से मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के। आप इस सारे पैटर्न को ध्यान में रखें और इनके अकॉर्डिंग आप स्टडी करें, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव के 50 में 50 क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं। अगर आपका स्टडी सही होगा आप अच्छी तरीके से इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त मैं आपको और कुछ बातें बता दूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए सिलेक्ट किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो टॉपिक आप इसके लिए आप क्या करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा स्टडी कर लें, इसके बाद फॉर्म क्लासेज एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स इसका भी आप पूरा स्टडी करें, इसके बाद क्लाउज एंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, इडियम्स एंड फ्रेजेज, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, रिमूवल ऑफ टू, इन सारे टॉपिक्स का आप अच्छी तरह से स्टडी कर ले ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं होने पाए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 50 मार्क्स के आपके आते हैं एग्जाम में आपने इसका पैटर्न अच्छी तरह से समझ लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलेंगे कि आखिर देखेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कहां से, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे और कहां से आते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से जो है 2 कैटेगरी होता है सब्जेक्टिव का, एक कैटेगरी होता है जो टेक्स्ट बुक का यानी कि बुक से, और दूसरा फ्रेंड्स कैटेगरी जो होता है वो होता है एडवांस्ड राइटिंग से। तो फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक से और फिर एडवांस्ड राइटिंग से। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो टेक्स्ट बुक से जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो मिलते हैं 33 मार्क्स, कितने तो 33 मार्क्स आपको मिलते हैं टेक्स्ट बुक से, और एडवांस से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं फ्रेंड्स तो 17 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं। तो 33 + 17 = 50 मार्क्स यहाँ पर क्लियर हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बात करेंगे कि टेक्स्ट बुक में फ्रेंड्स क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। तो यहाँ भी 2 कैटेगरी है, एक रेनबो पार्ट 2, पहला कैटेगरी रेनबो पार्ट 2, और दूसरा हो गया स्टोरी ऑफ इंग्लिश। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स जो रेनबो पार्ट 2 है यहाँ से आपको 26 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो फ्रेंड्स बात करेंगे कि रेनबो पार्ट 2 में आखिर ये जो 26 मार्क्स कैसे मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी 2 सेक्शन हैं,
पहला प्रोज का सेक्शन और दूसरा सेक्शन है आपका पोएट्री का। तो फ्रेंड्स इसमें जो है प्रोज से भी 13 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इक्वल जो है पोएट्री से भी 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं चीज़ों को अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश की। यहाँ पर 7 मार्क्स जो आपको यहाँ पर मिलने हैं वो कैसे मिलेंगे, तो फ्रेंड्स इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए 5 मार्क्स डेडिकेट किए जाते हैं और दूसरा जो होता है सेकेंड टाइप जो होता है वो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, इसके लिए 2 मार्क्स डेडिकेटेड होते हैं, ये 2 अंक का होता है, यानी कि 5 और 2 7 अंक का आपको जो है क्वेश्चन जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से मिलना तय है। इसलिए आप इनका भी तैयारी अच्छी तरह से करें। राइटिंग जो 17 मार्क्स के मिलने हैं आपको, 17 अंक आपको कहां से और कैसे मिलने वाले हैं, तो आइए चलते हैं यहां पर। तो फ्रेंड्स एडवांस राइटिंग में आपके आपसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 3 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स जो पहला प्रश्न है वो होता है क्या, ऐसे होता है, पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको 8 मार्क्स दिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, वो या तो होता है लेटर और नहीं तो फिर होता है क्या, एप्लीकेशन, लेटर या फिर एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको 5 मार्क्स डेडिकेटेड किए जाते हैं, जो कि सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है पैसेज नहीं तो फिर प्रेसिस राइटिंग से। तो फ्रेंड्स इसमें आपको टोटल मार्क्स दिए जाते हैं कितने, तो 4। तो फ्रेंड्स आप ऐड कर सकते हैं कि 8 + 5 + 4 = 17, तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स 17 अंक यहां से एडवांस राइटिंग में आपको दे दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस पूरे मार्किंग पैटर्न को, इस पूरे सिलेबस को जो कि इंग्लिश से रिलेटेड था क्लास 12 के लिए, आपने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको समझा होगा और अपना एग्जाम की तैयारी भी आप बेहतरीन तरीके से इन टॉपिक्स के माध्यम से आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं यानी पहली बार आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको दूसरे ग्रुप में भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।